नगर निगम के न्यू बिल्डिंग के सदन हॉल में स्वच्छता प्रतियोगिता विजेताओं का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि 2022 के तहत विभिन्न कैटेगरी के द्वारा स्वच्छता की मुहिम चलाई गई थी, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज आदि जगहों पर जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उनके विजेताओं को उनका सम्मान एवं पुरस्कृत किया गया, तथा साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के संबंध में जितने भी सफाई कर्मी हैं उनकी आपदा प्रबंधन की जो टीम थी उसकी टीम में ने डेमो करके दिखाया कि विपरीत परिस्थितियाँ आने पर कैसे बचाव कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सम्मानित हुए लोग अपने फील्ड में जाएंगे तथा नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हुए अपने अन्य साथियों को इसी प्रकार काम करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे जनमानस के बीच में एक मुहिम तथा आंदोलन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आज का कार्यक्रम किया गया, तथा जो भी लोग यहां से सम्मानित होकर जा रहे हैं वह लोग अपने पूरे क्षेत्र के लोगों को अपने आज के अनुभव को बताएंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे कि स्वच्छता की मुहिम चलाते रहें, तभी गोरखपुर शहर स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और सुंदर होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, सूखे कचरे को नगर निगम की टीम के द्वारा मिलकर उसका निस्तारण कराना है, तो यह सारी चीजों को लेते हुए यह कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था और ड्राइंग भी लगा लगाई गई है। आज हुए कार्यक्रम में हमने जो तय किया था हम लोग इसको कार्यालय जाएंगे तो वहाँ की जो बिक्री है, वहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो उत्कृष्ट है। और इधर से हम देख रहे हैं उनकी टीम बहुत बहुत बधाई कॉम्पिटिशन बना रहे हैं कि मुख्य प्रकार नंबर वन रैंपस स्कूल स्टेट बैंक कॉलोनी जाफरा बना। और हम सभी लोगों का, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण केवल नगर निगम का सर्वेक्षण नहीं है, ये हम सभी का सर्वेक्षण है। तो मैं हमारे टीम के मुखिया हमारे राजू सर से सर हम सभी के लिए सर को आशीष वचन सर बोल के अच्छा जी ने बोला कि गंदगी एक बंदा साफ नहीं कर सकता, अब गंदगी करते जाओ नगर निगम नहीं साफ कर सकता। मैं वो करता हूँ, हो सकता है अच्छा लगे उसको करिए, घर से पूरा जीरो जाता है, जीरो बस पार्थिव भी बंद कर दीजिए, सब्जी के लिए थोड़ा लेकर जाइए, घर से जो भी साफ सब्जी निकलती है जो भी कुछ होती है उसमें बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ आती है जो बायोडिग्रेडेबल होती है जो सड़ करके खा कर सकती है, तो जो भी घर का कूड़ा निकलता है उसमें जो खाने की चीज है उसको आप गाय को दे सकते हैं, हर कलर रास्ता गाय नहीं रखते हैं, जानवर नहीं है तो कहीं ना कहीं डेयरी फार्म में आप पहुँचा सकते हैं। जो खाने की चीजें हैं सुबह से पहले पाँच बजे जो काफी खाना है जो घर को फेंकते हैं लोग, कई कॉलोनियों में जैसे मोटी मोटी कॉलोनियों के साथ सुबह गुजरेंगे तो इतना बुरा लगता है, सब पार्थिव में बांधकर चावल रोटी फेंक रखते हैं। अगर ये निश्चित कर लें कि जरूर वहाँ डेयरी फार्म होगा एक स्पेशलिस्ट के रोल में
लिए एक्शन लू है। हॉस्पिटल में लोकल और रेस्टोरेंट में स्कूल में इसे और लोगों को देखते हैं। जब आप लोग अपने फील्ड में जाएंगे तो आपसे बहुत से लोग आपके फील्ड आपसे एक्सप्रेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे और वो भी आपकी तरफ से अच्छा काम करने की सोचेंगे और शुरुआत करेंगे। जहाँ तक नगर निगम की बात है, डॉक्टर साहिब साहब ने बताया नगर निगम के बारे में, मैं दो लाइन में अपनी बात को रखना चाहूँगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग चली। और पिछले एक साल में नगर निगम ने हर फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी स्वच्छता के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे कि अभी चीफ साहब ने बताया कि हमारा गोल है, शायद एम्बुलेंस की बहुत ही ज़्यादा यहाँ मुझे कमी अभी होती है कि तीन बार चार बार हमारे साथी कर्मचारी जो हैं वहाँ पर ट्रिपिंग करते रहते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं, कूड़ा उठाते रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कितने मजे से वो हमारे शॉपकीपर भाई है, शोरूम वाले सारा कूड़ा निकाल के सड़क पे रख देते हैं। उनको ये भी दर्द होता है कि हमारे साथी कितनी मेहनत से काम करते हैं, और अगर इस कूड़े को वो हमारी गाड़ी में डालते हैं। इसी प्रकार से वजीरपुर में मैं जाता हूँ तो कई बार मैं रेलवे स्टेशन थोड़ा आगे आता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि कितने बाहर से लोग आते हैं जो ये होटल में रुकते हैं और थोड़ा सा इनके आगे पीछे के लिए कूड़े का ढेर लगा। सर्वेक्षण 2022 के तहत जो है एक स्वच्छता की मुहिम जगाने के उद्देश्य से एक विभिन्न कैटेगरी में स्वच्छता की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज आदि जगहों की। तो जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसके विजेताओं को आज यहाँ पर सम्मान उनका किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन के संबंध में जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं उनको आपदा की जो प्रबंधन की जो टीम थी उसकी टीम ने पूरा एक डेमो करके दिखाया किस प्रकार से ऐसी इस विपरीत परिस्थितियाँ आने पर वो बचाव कर सकते हैं। और मुख्य रूप से जो आज के इस जो सम्मान समारोह का एक उद्देश्य ये भी था कि जो यहाँ से लोग यहाँ पर जाएंगे, अलग अलग फील्ड के ये लोग स्पेशलिस्ट लोग हैं, इस ये अपने फील्ड पे जाने पर वहाँ पर नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करते हुए अपने अन्य साथियों को इसी प्रकार के काम करने के लिए वो प्रेरणा देते रहेंगे। क्योंकि जो एक स्वच्छता की मुहिम है, जब तक शहर के सभी जितने भी सिटीजन हैं अगर इसमें अपनी आहुति नहीं देंगे इस स्वच्छता रूपी यज्ञ में, तो तब तक ये यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। तो आज पूरे जनमानस के बीच में एक मुहिम छेड़ने के लिए, एक आंदोलन, जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ये आज का कार्यक्रम किया गया है। और निश्चित रूप से इसमें बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है, और जो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं वो लोग अपनी पूरी जो क्षेत्र के लोगों को अपने इन आज के अनुभव को बताएंगे और उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो भी लोग स्वच्छता की मुहिम चलाते रहें, तभी जाकर ये हमारा जो गोरखपुर शहर है ये स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और सुंदर होगा।